फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बिंदु खत्ता। हमें फाटा खुल चुके हैं और देखिए कैसे आ रही गाड़ियां। और यहाँ से हम लोग किसमें जाना है वैसे? टुक टुक में। बाय मम्मी। बाय 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 बाय। गुड मॉर्निंग इंडिया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एलेक्स पार्कर, आप लोगों के साथ फिर से और निकलेंगे आज थोड़ी देर में घर से। कैसे हैं आप सभी बड़े होंगे, बहुत ज्यादा ऑसम होंगे, तो शूटिंग मतलब आउटस्टैंडिंग एंड बहुत ज्यादा लवली होंगे। सो आज के व्लॉग में जो हम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि अभी हम लोग घर में ही थोड़ा सा शूट करेंगे। घर में क्या क्या चल रहा है, घर में भी आज फिर से काम चल रहा है। फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग गाँव को, लेकिन गाँव को अभी नहीं, शाम को 4 या 3 बजे निकलेंगे ताकि 5-6 बजे पहुंचे शाम को, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी और गाँव को। और गाँव हमारा नीचे की साइड है, लालगुआ साइड, और वहाँ पे एक गाँव पड़ता है बहुत ही प्यारा सा, बिंदु खत्ता। तो हम लोग आज जाने वाले हैं बिंदु खत्ता, और वहाँ बहुत ज्यादा बूम बैम करना है। मौसी से मिलेंगे, नानी से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे, खेतों से मिलेंगे, गन्नों से मिलेंगे एंड झन्नों से मिलेंगे, और कुछ नदियों से मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा मजा आना है। वैसे वहाँ जाके रहो क्योंकि वहाँ है शादी मामा लोग की, तो मामा लोग की शादी में जाएंगे और बूम बैम करेंगे। और भाई कुछ नया लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए इस बार कंटेंट, तो नई नई चीजें दिखाऊंगा, नया नया कुछ इन्वायरमेंट दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो भाई आज ही चल रहा है काम, आज बाहर का काम चल रहा है, बाहर पूरी दीवार पेंट करी आ रही है, अंकल जी कर रहे हैं। देखिए, हेलो अंकल, हेलो हेलो करो सर। तो भाई यहाँ पे जोर शोर से काम चल रहा है, आई थिंक आज ही खत्म हो जाएगा। अंदर सब बैठे हैं, आप खाना खाने टाइम हो चुका है सर, बहुत अलग सब लगाए आज, बाहर चलते हैं। आज का व्लॉग मैंने दिन में से स्टार्ट करा, तो अभी हम लोग सीधे जाएंगे खाना खाने के लिए। और आज क्या बनाया मैं नहीं दिखाने वाला, लेकिन लेकिन जो भी बना अच्छा बना। सो फिलहाल हम लोग खाना खाते हैं फटाक से, फिर मिलते हैं छटाक से। ओके बढ़िया, अभी तुम्हारा मैंने खाना खा लिया है। और पेंट देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है, अंकल यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पहुँच गए, ओह काफी आउटस्टैंडिंग। टूट हमारे यहाँ जो बिल्ली के बच्चे थे, जो व्हाइट वाला था वो अब जा चुका है, मतलब ब्लैक वाले दो ही बचे हैं। कल वो भी चले गया सिवाल है, लेकिन पल जाएगा ना, हम भी तीन बच्चे रखे क्या करते। सो फिलहाल देखते हैं टूट हम क्या करते हैं झटक से। ओके बड़ी, अब तुम्हारा भाई को रेडी, तो पहले मुझे आते हैं थोड़ी शेविंग करवाते हैं, थोड़े एब्रो सेट करवाते हैं, फिर घर में आएंगे और भी मवा देंगे, नहाएंगे, फिर तैयार होंगे एंड फिर करेंगे बैक पैक। तो चलते हैं सैलून में झटक से, शेविंग करा के आते हैं फटाक से, फिर आपको मिलेंगे घर में, और घर पे देखेंगे कि कहां तक पेंट पहुंच चुका है, फिर उसके बाद हम बैक पैक करेंगे, फिर हम चलेंगे सीधे गाँव की तरफ को, और फिर आएंगे 1-2 दिन बाद। मिस तो करेंगे ना घर को, तो फिलहाल फटाक से जल्दी पहुंचते हैं सैलून में झटक से। ओके डूडा, भी हम लोग आ चुके हैं सैलून में, और हमारे छोटे भाई बैठे हैं यहाँ पे, इनने हमें ऐसा बना दिया। वैसे ही बहुत अच्छा काम करते हैं, आप देख सकते हैं मेरी एकदम सेट कर दी, और शेविंग तो भी करवा दी, मैंने करवा ली है। तो चलते हैं गाँव की तरफ को, मुझे भाई मिलते हैं 2-3 दिन में। वैसे जहाँ मैं शेविंग कराने आता वहाँ आज शॉप बंद, यहाँ ट्यूजडे था, जब भी मैं शेविंग करवाने आता हूँ बाल कटाने आता हूँ तो ट्यूजडे ही पड़ जाता है डूड उस दिन। तो फिलहाल चलते हैं फटाक से घर में और कुछ पैकिंग करते हैं। भाई घर में आ चुके हैं, पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या ले आ रहा हूँ। यह शर्ट व्हाइट कलर की, और एक नीचे से एक और व्हाइट है, एक प्लेन व्हाइट है, एक थोड़ा डिजाइन में है एंड ब्लैक कलर की जीन्स, और व्हाइट कलर की टी शर्ट जो हाफ है ये मैं घर में ही पहनूंगा, और ये भी हाफ निकर है, इसको भी हम घर में ही पहनेंगे। और ये रही व्हाइट कलर की एक और टी शर्ट, ये मैं अंदर से पहनूंगा शर्ट में, जो व्हाइट वाली है डिजाइन वाली, तो उसके अंदर से हम पहनेंगे। एंड एक लिए आ रहे लोअर घर में पहनने के लिए, और लास्ट रही हमारी एक और जीन्स, ये हम पहनेंगे तब जब बारात जाएगी। बारात में मैं नहीं आना, क्योंकि बारात जा रही है अल्मोड़ा की तरफ को, तो हम जाएंगे। और लॉकेट में मैं 2 लॉकेट ले आ रहा हूँ, एक जो मैंने कैलाश से माला ली थी, और एक जो ये लॉकेट मैंने मार्केट से लिया था, एंड ये तो हम पहन के ले ही जा रहे हैं। तो सब करते हैं पैक। एंड वाइट कलर के शूज़ हैं मेरे, एंड मेरे पे 3 जोड़ी शूज हैं, तो हम वाइट वाले ले जाएंगे और ब्लैक वाले पहन के ले जाएंगे। तो पहले हम वाइट वाले शूज निकालते हैं। ओके, तो दोनों शूज़ मैंने निकाल लिए हैं, ये हैं ब्लैक वाले जो मैं पहन के ले जाऊँगा, एंड ये हैं वाइट वाले जो मैं वहाँ पहनूंगा। सो 2 जोड़ी हम शूज़ भी ले जा रहे हैं, बाकी चश्मा आई थिंक मैं 2 ले जा सकता हूँ, पक्का करनी है कंफर्म, ये भी क्या होता है, जो भी होगा आपको दिख जाएगा। सो फिलहाल अभी हम लोग पैकिंग करने में बिजी हैं, और फिर निकलेंगे यहाँ से की तरफ को। सो भाई हो चुका है तुम्हारा भाई फ्राइडी। वैसे क्या पहनी है, चश्मा पहना है, घड़ी पहनी है, बाकी ड्रेस रस तो वही पहनी है, क्योंकि रूट आज हमें रोला दिखाना है, रोला दिखाना है कल को ना, आज हम कैब में ही छुपे रहेंगे और फिर सबको बंद रहेंगे, कल मिलेगा सब लोग को सरप्राइज कि हमने क्या क्या चेंजेस करवाए। और शादी में तो भाई बूम बैम करना तो बनता है ना, बाकी आप लोग बताइए हम जब शादी में आते हैं कितना बूम बैम करके आते हैं। सो चलो फटाक से हम निकलेंगे यहाँ से झटाक से, तो बैग हमने पिक कर लिया पैक, अब उठाते हैं उसे और फिर चलते हैं, तो मिलते हैं जब हम चलेंगे। फिर उठ हो चुके हैं सब रेडी, हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं, हम निकलेंगे। बाय दीदी।
बाय मम्मी, बाय बाय। दादू से भी कहते हैं बाय, अगर हम बाय करते हैं तो देखते हैं। बाय बाय कर दिया, बाय एलेक्सा, बाय बाय। सो भाई आ चुके हम लोग बाहर को, अब यहाँ से हम पकड़ेंगे ऑटो, इसके घर जाएंगे हम लोग माला के घर। सो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे एक ऑटो, तो उसके बाद आएंगे दूसरा ऑटो, फिर पहुँचेंगे हम सीधे लालकुआ, लालकुआ के बाद हम लोग जाएंगे बिंदुखत्ता। सो फटाक से झटाक से पहुँचे झटाक से। अभी तुम्हारा भाई आ चुका है लालकुआ, वैसे मैंने आपको रास्ता दिखाने के लिए ट्रैवल करके हम बहुत ही कुछ कुछ करके आए। तो फिलहाल अभी हम लोग लालकुआ पहुँच चुके हैं, यहाँ पे माला गई है शॉप के अंदर, वहाँ कपड़े लेने के लिए आपको दिख गई माला। वहाँ पे अपने भाई के लिए शर्ट ले रही है, ईशु के लिए, पापा के लिए और राजा के लिए, तो तीनों के लिए शर्ट लेके जाएंगे। एंड अभी हम लोग लालकुआ से क्रॉस करेंगे, लालकुआ से अंदर जाएंगे बिंदुखत्ता की तरफ। वहाँ पे गांव का एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा खेत है, तो अंदर चलेंगे और आपको दिखाऊंगा कि भाई कितना प्यारे खेत है और क्या क्या पेड़ हो रहे हैं और क्या क्या घूमने चल रहा है। तो चलो फटाक से पहुँचते जटाक से ना। ओके तो ले लिया इसने शर्ट, कौन से कलर में ली तो भाई बता देंगे आपको, घर जाके पता लग जाएगा। हम आपको दिखाएंगे राजा को और ईशुगन मौसा जी को कि वो कैसे लग रहा है ट्रक में। भाई फिलहाल चलते हैं, और यहाँ से हम लोग किसमें जाना है वैसे? टुक-टुक में। ओके तो यहाँ से हम टुक-टुक लेंगे बिंदुखत्ता की तरफ को, और वहाँ खेत देना तो मजा आएगा। तो चलो फटाक से चलते हैं ना। अभी हम लोग क्रॉस हो गए हैं लालकुआ से अंदर को, यहाँ पे फाटक लग चुका है, आप देख सकते हैं कितना जाम लगा पड़ा है, वो पीछे तक जाम लगा डूट। तो हम यहाँ से टुक-टुक लेते हैं और पहुँचते हैं ना। यहाँ पे फाटक खुल चुके हैं और देखिए कैसे आ रही गाड़ियाँ, देखिए फाटक खुलते यहाँ पे तक क्राउड हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं अंदर की तरफ को, टुक-टुक यहीं कहीं मिलता है आई थिंक। तो भैया हम लोग लालकुआ के अंदर को जा रहे हैं, यहाँ पे बिंदुखत्ता गाँव पड़ेगा और मजा आएगा। लेकिन मैंने अकेले यहाँ से, पर अंकल ने मेरे 10 रुपये कम नहीं करे उस बात का कुर्ता, तभी मैंने को शूट भी नहीं करा, मतलब मैं उनको शूट पक्का देता। पहले उन्होंने मेरे से कहा कि 80 रुपीज़ का दूंगा, लेकिन फिर उन्होंने मेरे से 90 रुपये ले लिए, बहुत गलत बात है। तभी मैंने उनको दिखाया क्योंकि अच्छा नहीं लगा मुझे। तो फिलहाल ही पहुँचते हैं और यहाँ पे थोड़ा गाँव आपको मैं आपको दिखाऊंगा, घूम घाम करते हुए चलेंगे और भाई मस्ती करते चलेंगे, और गाँव का एनवायरमेंट तो काफ़ी ऑसम होता है ना, जो भी देखेंगे हम आपको दिखाएंगे ना। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बिंदु खत्ता, और डालना में ये तक छोड़ा, वैसे घर तक छोड़ना चाहिए उसको। सब अलग अलग कर रहे हैं, मतलब केले वाले ने 10 रुपये कम लिए, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। सो फिलहाल अभी तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन रूट हम आपको ज़्यादा शूट करके दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन जितना भी दिखाएंगे उतना देख लेना, क्योंकि अब रात होने वाली है ना, तो रात को तो भाई यहाँ अंधेरा ही रहेगा और इतनी सुनसानी हो रही है। देखिए यहाँ 2 दिन से लाइट भी नहीं है, हम लोग चार्ज करके आए हैं फ़ोन, पेड़ भी टूट जा रहे धूप धूप से, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो फिलहाल ही पहुँचते हैं, राजा भाई लेना आने वाला है हमें, और पेड़ों की हालत पता है कैसी हुई यहाँ पे। तो देखो जो पेड़ दिख रहे हैं आपको पीछे साइड, वो सब गिर चुके हैं। अभी रात का टाइम है ना, तो ज़्यादा फोकस नहीं पड़ पा रहा है कैमरे में, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। सो फिलहाल पहुँचते हैं, राजा भाई आते हैं, मिलाते हैं। यहाँ से मैं राजा भाई लेना आए, देखिए एक गाड़ी में चार जने जा रहे हैं, गोलमाल पिक्चर का सीन हो गया यहाँ पे, एक गाड़ी में जा रहे हैं चार जने, सबसे ज़्यादा हालत पता इसी खराब है इसकी। अब मेरे को पता है कि सबसे ज्यादा हालत किसी खराब होगी वो भी राजा की, समझ सकते हैं वो पटाख से पहुँचते अंदर बहुत ज्यादा हो गया। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं मौसी लोग के यहाँ, यहाँ पे राजा भाई ने लगा ली गाड़ी, अब सब उतर के बाहर को आ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, और ये हमारी मौसी जी, हेलो मौसी, नमस्ते, कैसे हो? यहाँ पे देखिए बकरियाँ हैं घास खा रही। अब रात हो गई तो मैं आपको फ्रंट कैमरे से ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, ये तो छींक मार रही। अरे अरे अभी हम लोग जा रहे हैं शॉप की तरफ को, और डूड यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, तो हम बैक कैमरे से यहाँ शूट करेंगे, और राजा भाई भी दिख रहे होंगे अभी, तो कोई नहीं कल दिख जाएंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं खेत के ऊपर, चलो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। अभी हम लोग चल रहे हैं खेत के ऊपर, देख सकते हैं आप, हर जगह जंगल ही जंगल है। सो कल आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा, लेकिन अभी देखने को कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ लाइट भी नहीं है, लाइट भी गई है देखो पूरे एरिया में, आज लाइट नहीं आएगी, कल ही आएगी आई थिंक। सो फिलहाल अभी तो हम लोग रास्ते में आ गए, अब चलते हैं शॉप में, मिलते हैं ना रूट। रूट अभी हम लोग गए थे शॉप में, और वहाँ से लेके आए हम चॉकलेट और लेस, तो खाते हैं। सर यहाँ पे थोड़ा लाइट थी, तो आपसे थोड़ी बात कर सकता हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब एकदम सुनसानी टाइप की है,
आप देख सकते हैं पीछे भी इधर भी खेत है उधर भी खेत है, जो आपको दिख नहीं होंगे लेकिन आपको कल सुबह दिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो फिलहाल आज तो हम ऐसी सुना ले दिन भर लाइट नहीं है और रात भर लाइट नहीं रहेगी और बैटरी भी आई थिंक चार्ज ना हो, तो हम फ़ोन का कम ही कम यूज़ करेंगे और जितना हो सके हम आपसे बातचीत करने की सोचेंगे अगर मे भी लाइट मिलेगी तो। सो फिलहाल अभी हम लोग पहुँचते हैं गर्जा टाक से और चॉकलेट और लेस खाते हैं फटाक से। ओके डोडा भी घूमते घूमते हम लालगांव वापस आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा जाम लगा यहाँ पे। यहाँ से बिंदु खत्ता कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग वापस अभी लालगांव में आए फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे शादी में। वैसे मैं आपसे यहाँ थोड़ा बात करने के लिए आया हूँ क्योंकि थोड़ी कर लेनी चाहिए ना, वहाँ पे अंधेरे हो रहा है, वहाँ पे लाइट आने वाली है नहीं बिल्कुल भी आज, तो हम अंधेरे में सोएंगे और देखते हैं कि क्या होता है। तो फिलहाल अभी हम लोग आए हैं लालगांव और यहाँ से जाएंगे सीधे शादी की तरफ और फिर जो जो शादी में आएगा बहुत से लोग आएंगे, नानी लोग आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं फटाक से शादी में मिलते हैं फटाक से। तो भाई यहाँ से पार्टी में यहाँ पे पूरी बन रही है वहाँ बैठे चल रहा डांस। तो भाई यहाँ पे सब बैठे
भाई अब हम लोग आ चुके हैं पार्टी से बाहर और अभी हम लोग जा रहे हैं मौसी यहाँ वहाँ सोने के लिए। सो आज का व्लॉग भी ऐसे निकल गया, वैसे यहाँ भी लाइट नहीं है तो मैं आज बैक कैमरे से फिर शूट कर रहा हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीडिम्स एवरीवन। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। अगर आप चैनल में नए तो करें सब्सक्राइब एंड देखते रहिए दोस्तों बेल आइकन पर व्लॉग्स को। सो डूड, हमने जितना एंजॉय करा काफी ऑसम करा। वैसे कल मैं आपको पूरा एनवायरमेंट दिखाऊंगा एंड जो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं क्या क्या चीजें नहीं है वो मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ। कल के व्लॉग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है ना, एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट होने वाला है। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।